तो चुनाव के समय दो शब्द आपको खूब सुनने में मिलते होंगे, आचार संहिता और धारा 144 सेक्शन 144। लेकिन आखिर दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो देखिए, आचार संहिता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इशू की जाने वाली एक रूल बुक की तरह है। इस रूल बुक में कई नियम हैं, जैसे इंडिविजुअल्स बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के 50,000 से ज्यादा का कैश या 10,000 से ज्यादा का कोई नया आइटम कैरी नहीं कर सकते। वोट्स के लिए कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स का यूज करना, अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स के बेस पर क्रिटिसिज्म या ब्राइबिंग जैसी चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं। पार्टीज को मीटिंग से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है ताकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा सके। इसके अलावा जुलूस क्लैश नहीं होने चाहिए। मिनिस्टर सिलेक्शन वर्क के लिए ऑफिशियल मशीनरी का यूज नहीं कर सकते। पब्लिक एक्सचेकर के कॉस्ट पे एडवर्टाइजिंग नहीं की जा सकती और साथ ही मैनिफेस्टो पर भी रेगुलेशंस होती हैं। पर फिर धारा 144 क्या है? दोस्तों, इसका इस्तेमाल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और पीस मेंटेन करने के लिए जनरल पब्लिक के अगेंस्ट इशू किया जाता है। इसमें किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के मजिस्ट्रेट को यह पावर दी जाती है कि वो 4 या उससे ज्यादा लोगों की गैदरिंग को प्रोहिबिट कर सकता है। पब्लिक का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पब्लिक मीटिंग्स या रैलीज नहीं की जा सकती और इंटरनेट एक्सेस को भी ब्लॉक किया जा सकता है। यानी दोस्तों, आचार संहिता का इस्तेमाल फ्री एंड फेयर इलेक्शन को एंश्योर करने के लिए किया जाता है और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, जबकि सेक्शन 144 का यूज होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जिसे ब्रेक करने पर पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आचार संहिता वर्सेस सेक्शन 144 की। अगले वीडियो में आप इंडियन पॉलिटी के कौन से एस्पेक्ट को समझना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।